जिनके हाथों में है, उनको रोज जजा और क्या चाहिए, हमको अपनी गुलामी की दे दे सनद, बस यही इज्जत तो मर्तबा चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन وعلى آله وصحبه المبارك صلى الله عليه وسلم. میں گزارش کروں گا نشما فرینک سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ملی نغمہ پیش کریں. نشما فرینک ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ملی نغمہ پیش کریں.
President آل پاکستان مسلم لیگ برطانیہ سے کہ اس سٹیج پر تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب حامد مرزا صاحب وقت کی کمی کے باعث میں گزارش کروں گا کہ وقت صرف ایک منٹ کا ہے تو اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ یہ وقت کی قلت کے باعث وقت اپنے سامنے رکھیں ملحوظ خاطر رکھیں حامد مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں Mr. President, APML comrades, distinguished guests, ladies and gentlemen. I did prepare a speech, but it was going to take 300 seconds, which is 5 minutes. I've been given 1 minute, in which all I can say is thank you all very much. Thank you for giving me the honor, and Pakistan Zindabad, Parvez Musharraf Zindabad. Thank you very much. اب میں گزارش کروں گا جناب آدم غیاث الدین صاحب وائس پریزیڈنٹ آل پاکستان مسلم لیگ برطانیہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آدم غیاث الدین صاحب صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں جناب چودھری اکرم گل صاحب پریزیڈنٹ آل پاکستان مسلم لیگ مڈ لینڈ کے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب چودھری اکرم گل صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का दिन जो कंप्लीट हुआ एक हमारे मिशन का साल, आज उसका दूसरे साल का पहला दिन है और मैं आप सबको और पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ कि हम लोग जिस सब्र तहम्मुल से और जिस तंजीम से और जिस मेहनत से इस पार्टी को एक साल में आगे लेकर गए हैं, और खसूसी तौर पर मैं जनाब जनरल मुशर्रफ साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ जिन्होंने इतनी जद्दोजहद की और पार्टी को इसके अलावा स्पेशली यूके चैप्टर में जो भी हमारे अहदेदारों ने इतनी मेहनत की और इतनी मेंबरशिप में एक्सटेंशन की और अपने आप को मुतहद रखा, उसके लिए भी ये सब दोस्त मुबारक के हकदार हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे पता है आप किस कसूम में आए हैं और मैं ज़्यादा हायल नहीं हूँगा। मैं इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ एक चीज़ मैं ज़रूर आपको गोशगुजार, मैं अभी पाकिस्तान से आया हूँ, वहाँ बहुत लैक है हमारी तंजीम में। मैंने अपनी पार्टी का वजूद जिस तरीके से देखना चाहता था मुझे नज़र नहीं आया, जो काबिल तशवीश है। और इसके साथ ही मैं यही चाहता हूं कि देखें, इलेक्शन तो पाकिस्तान में होना है, हमें पाकिस्तान में अजीज़ और अकारिब को ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम देना चाहिए कि इस पार्टी को मतलब शामिल हों हमारी पार्टी में और मुशर्रफ साहब के हाथ मजबूत करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ।